नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ यूपी लाइव 100 न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अमेठी में लोकसभा सामान्य निर्वाचक 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए सामान्य प्रेक्षक वी शशांक शेखर ने जिले का दौरा करते हुए आगामी 6 मई को होने वाले चुनाव हेतु की गई तैयारियों का जायजा लिया। नोडल अधिकारी सहायक नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर जमा कराए जाएं, कमजोर वर्ग के मतदाताओं में विश्वास की भावना जागृत की जाए तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती के साथ अनुपालन होना चाहिए। सामान्य प्रेक्षक बी शशांक शेखर ने कहा कि 6 मई को लोकसभा क्षेत्र अमेठी मतदान हेतु मतदान केंद्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से फोकस करते हुए स्वीप के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन कराए जाए, जिससे कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले मतदाता मतदान के प्रति अधिक से अधिक जागरूक हो सकें। मतदान केंद्रों पर तैनात की गई पोलिंग पार्टी को गहनता से प्रशिक्षित किया जाए, जिससे कि मतदान के दिन कोई समस्या उत्पन्न न हो। अमेठी से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। तरह तरह की परिस्थितियों में हुए, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पानी है, कहीं बारिश है, कहीं विपरीत परिस्थितियां हैं मौसम की, कहीं लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में हम थे इलेक्शन, इट वॉज नॉट वेरी इजी, पर पूरी गवर्नमेंट मशीनरी ही ने ही मिल के कुछ मीन ऑल ऑफ अस टुगेदर हैव डिलीवर्ड दीज इलेक्शन ईयर आफ्टर ईयर फॉर सो मैनी डिकेड्स। ये पॉजिटिव साइड सब है। हम भी आए हैं दिल्ली से, तो पूरा स्मूथली लॉजिस्टिक्स के टर्म्स में ही नहीं, फ्री एंड फेयर भी हो इलेक्शन और एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ हो, तो हमारा ये बायस वे में बिहेव करते हैं। तो आई वुड लाइक टू आल्सो कन्वे फ्रॉम इलेक्शन कमीशन साइड की कमीशन के इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर कि एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है ऐसे लोगों के। तो आप लोगों को जो भी हम सचेत कर दे रहे हैं कि दिस इज अ प्लेस, इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में कि उसमें आप क्योंकि 100% से कम अपना एफर्ट नहीं दे रहा। स्पेशली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में आप लोगों ने देखा भी होगा, पूरा नेशनल मीडिया में पिछले एक महीने से या उससे ज़्यादा से भी यही चर्चा रही है, इलेक्शंस में क्या हो रहा है, किस राज्य में क्या गलत हो रहा है। कल भी सेकंड फेज ऑफ पोलिंग हुआ तो पूरे मीडिया में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें यूपी लाइव 100 न्यूज़।